दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग हैं तालचर में कोल माइंस है। यहाँ भाई मध्य भारत का सबसे बड़ा कोल माइंस है और इतनी ज़्यादा यहाँ गाड़ियाँ लगती है कि आप देख कर दंग रह जाओगे। जी हाँ भाई, एक टाइम में यहाँ लाखों गाड़ियाँ रहती है और हमने अपनी गाड़ी यहाँ लगा दी है और हमें यहाँ देखिए टीओ भी मिल चुका है। तो अब हम गाड़ी आगे लेके जाएंगे और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कितना बड़ा माइंस है। ऐसे देख पाना संभव नहीं क्योंकि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, 100 वर्ग किलोमीटर समथिंग इतने बड़े एरिया में यह माइंस फैला हुआ है। बहरहाल कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं और गाड़ी अपनी लोड करते हैं। प्रॉब्लम कोई भाइयों, डीओ मिल गया, गाड़ी सब अंदर जाने लग गया, हमारा चावल हमने चढ़ाया था बनाने के लिए और ऐसी गाड़ी धीरे धीरे बढ़ा के अब बनाना पड़ रहा है। हम साइड में रोक भी नहीं सकते, साइड में रोकेंगे तो कम से कम 50 गाड़ियाँ हमसे आगे चली जाएगी और गाड़ी हमारी लोड होने का जो पोजीशन है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए ऐसे चलती गाड़ी में आज खाना बना रहे हैं। मालूम है ये खतरनाक है, सही तरीका नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा। माइंस में कोयला परिवहन के लिए देखिए वल्वो की गाड़ी, भारत बेंच की गाड़ियाँ और स्केनिया, फॉरेन कंट्री से आयात की हुई गाड़ियाँ हैं और उन्नत तकनीक से बनी हुई होती हैं। माइंस में उच्च क्षमता की गाड़ियों को दरकार होती है। दिन भर हो गया कांटा में, सारा आदमी 1 घंटा लंच करे, 3 घंटा खड़ा करे कांटा, 3 घंटा लंच में लग गया। मुकेश भाई ऐसा ही है, क्या करोगे, प्रॉब्लम तो है। अब देखो झालमुड़ी वाले भाई साहब मिले हैं, कुछ ले लेते हैं इनसे। क्यों भैया इधर देखिए जरा, यार क्या काम बेकाम कर रहता है। इससे भैया रोजगार हो जाता है आपका, हो जाता है अपना मिलना चाहिए भाई मजदूरी, जो अपना आदमी का जो नीड्स है वो पूरा होना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा होता नहीं है। देखिए भाई साहब अपना स्कूटी लेके यहाँ ड्राइवर भाइयों की सेवा कर रहे हैं, और क्या चाहिए बताइए, पहुँचा के दे रहे हैं यहाँ आपको। भूखे हैं आप तो यहाँ आपको दिक्कत का कोई बात नहीं है, इनके पास हर चीज़ उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग पढ़ लिख के सरकार को करी आते हैं, नौकरी नहीं। अरे भाई आपके अंदर होना चाहिए काम करने का जज्बा। लोडिंग कंप्लीट हो गई भाइयों, अभी तिरपाल कवरिंग वाला काम कर रहे हैं। ये गांव वाले जो हैं जिनकी जमीनें गई हैं माइंस में, वे तिरपाल बांधते हैं और तारपुलिन कवर का चार्ज करते हैं। चार्ज बहुत ज़्यादा है मगर 200 रुपये पर गाड़ी का। आपको माइंस दिखाऊं भाई, देखिए एक कोयले में खुद से आग लग जाता है और यही रीज़न है कि यहाँ का जो आबो हवा है इसमें हमेशा एक धुंध टाइप का रहता है जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रीज़न है कि क्यों ऐसे कोयले की ढेरी में खुद से आग लग जाता है, अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट बताएं। कारवानी देखो
चिकिणी गाली बेस उषा हो आस मन हम चलिएगा नाम बोल से बसुए दक्षिण भारत कन्याकुमारी चंडी नाम तो कटक नगरी अनुगुण माल तू कला पाट समलपुर पश्चिम से बाणपुर भगवती गाड़ी भराई वाला काम कंप्लीट कर लिया दोस्तों, अब पेट भराई वाला काम हम निपटाने जा रहे हैं। आज अपना श्याम बना लिया था टमाटर की चटनी। लोड करने के दौरान थोड़ा थोड़ा जो समय मिलता है उसमें अगर हेल्पर होशियार रहे तो खाना बनाया जा सकता है, और अपना हेल्पर तो जानते हो डेढ़ होशियार है। क्यों रे, सब कम लगा था। तो ये बना लिया है जल्दी जल्दी करके टमाटर की अपन ने चटनी बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में हम इसको बोलते हैं पताल झोर। तो आज हमारा पताल झोझो, पताल झोझो हम लोगों ने बनाया है। और बस भाई ये डिनर हो रहा है और बिल्टी वगैरह बनवाएंगे, इसके बाद भाई फिर चले जाएंगे अपनी मंजिल की ओर रायगढ़ जिंदल का। हमने यहाँ से कोयला लोड किया है, भाड़ा वगैरह की जानकारी मुझे नहीं है। ट्रांसपोर्टर महोदय आएंगे, बिल्टी बनाएंगे, उसी टाइम हम पूछेंगे उनसे क्या रेट इसमें भाड़ा लगा है। आपसे यह जानकारी मैं शेयर करते चलूँगा। चलिए मिलते हैं भोजन करने के बाद। I'm lost again. I don't wanna run. लोडिंग कंप्लीट करके भाइयों आ गए हैं आगे आगे बढ़ चले मंजिल की ओर। गाड़ी हमारी रात में लोड हो गई थी और वहीं फिर सो गए थे, और सुबह सुबह वहां से निकले हैं डीजल वगैरह लेकर के। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये अपना तालचेर से क्वेंझर वाला रास्ता है। आगे जाके क्वेंझर जो नेशनल हाईवे है कोलकाता मुंबई उसमें ये जुड़ जाएगा। और गाड़ी हमने यहाँ लगा रखी थी, फ्रेश हुए हैं और गाड़ी भी हमने अच्छे से चेक कर लिया है क्योंकि माइन से निकली है गाड़ी, तो कहीं कुछ टूट तो नहीं गया, क्या हो गया, पूरी सारी चीज़ों को अच्छे से तफ्तीश करके बस अब यहाँ से भाइयों निकलेंगे। आपको दिखा दिए जरा, यहाँ पीछे एक डैम है बढ़िया, आप देख सकते हैं भाइयों ये एक छोटा सा डैम है। और भारी गाड़ियां जो होती है इसी तरह के जगह में रुकना प्रेफर करती हैं, बढ़िया पार्किंग का भी यहाँ जगह है। ठीक है भाइयों, फिर निकल रहे हैं आगे, आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। वहाँ पे गाड़ी जब रुका था तो क्यों नहीं रुकू, क्यों नहीं पेशाब किया तू? सर किया था फिर लग गया। वैसे थोड़ी बता, अभी 10 मीटर वहाँ मेरी गाड़ी रुका था जब टायर वायर चेक कर रहे थे, तब पेशाब करना चाहिए, पूरा फ्रेश हो जाना चाहिए। बार बार गाड़ी रोकने से अच्छा लगता है क्या 10-10 मीटर में? यार लगेगा तो क्या करेंगे। ऐसे यार इतना बड़ा गाड़ी है, रुकते रुकते चलना अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे चलो तो कम से कम 40 मीटर 50 मीटर चलोगे तो रास्ता कटता है, 5 मीटर जाओ 10 मीटर जाओ फिर चाय पियो फिर मुँह तो फिर हगो, ये कहाँ का बात हुआ।
नाश्ता बना रहे हैं दोस्तों। अभी हम लोग पहुंचे हैं देवगढ़ से आगे, तो टाइम हो गया नाश्ते का, तो नाश्ता बना लेते हैं। बाहर नाश्ता करिएगा तो पौष्टिक नहीं रहता। ऐसे आम को भी हमें मोटा ताज़ा बनाना है। देखिए सिंगल चेचीज का आदमी है, क्योंकि भाई मेरा फर्ज है, इसको ड्यूटी में लाया हूँ तो इसको मेंटली और फिजिकली मैं तैयार करूँ ड्राइवर के लिए। और आप इसका वजन देखिए कितना होगा, 30 किलो है क्या? तो इसका वजन है लगभग जो भी रहे कम है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोटा ताज़ा होना चाहिए। हमारे फील्ड में क्या है ना भाई, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो दो झापड़ मार खाने के लिए भी तैयार रही और जरूरत पड़ी तो मारने के लिए भी तैयार रही। ओ, मेला में हुआ था बताया ना, मेला में 10 बंदे आए थे गाइस मारने के लिए, एक को पड़ा सिर्फ, एक झापड़ मारा घुमा के उसको, वो पता नहीं किससे टकराया, झूले से, जब जहाँ उधर गार्डन था तो झूले पे टकरा गया, वो साला का सिर फट गया, फिर सारे लोग भाग गए डर के मारे। तो वो शरीर पकड़ने से कुछ नहीं होता, इधर दम भी होना चाहिए। तो 10 लोगों को मार दिया, 10 लोगों को दिया। एक को मारा, भागे सब। अरे मुझे तो नहीं विश्वास हो रहा है। चल चल कोई बात नहीं, बहरहाल मैं नाश्ता बनाता हूँ। तू ऐसा कर, तू जा ऐसा पुशअप लगा ले। देख पुशअप लगाने से ना वजन बढ़ता है। किधर लगाऊं? इधर पुशअप लगा ले, नीचे कहीं भी लगा ले, रोज 3 सेट मारा कर 10-10 का, डेफिनेटली इससे वजन बढ़ेगा। मेरा खुद वजन बहुत कम था बहुत पहले, अभी तो ठीक आ गया है। मैं चालू कर रहा हूँ। हाँ जा, हो गया। बड़ी जल्दी हो गया यार। हाँ, बड़ा टाइम लगा। कैसे पुशअप मारा है? ढंग से नहीं लगाया लग रहा है। 10-30 बार मारा टोटल, रुक रुक के। हमारा नाश्ता भी हो गया है। मस्त बनाया गाइस, एकदम मस्त। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush, I never meant to fall, all I wanted was a toy. चलन भाई वो ढाबे में होगा, पहुंच गए एक ढाबे में, रास्ते में है। आज खाना ढाबे में खा रहे हैं भाई, वो थाली लगा है। ठीक है जाऊँ? चल फिर फटाफट निपटा खाना, क्या क्या सब्जी दिया है बता जरा। आलू जो खाए, ये करेला आलू है, और ये बैंगन, ये भी बैंगन, पापड़ और चावल है, दाल। 80 रुपये के प्राइस में ठीक है भाई, उड़ीसा में ज़्यादा तक थाली ही चलता। Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Why you let me die alone inside?
गोविंदपुर के पास रुके हैं दोस्तों। यहाँ से रायगढ़ 40 मिनट बचा है, यहाँ से खाना खा लेंगे फिर निकलेंगे। रात भर में गाड़ी हमारी खाली हो जानी चाहिए। बन गया गाइस हमारा अंडा करी, आज का हमारा डिनर इसी में होने वाला है भाइयों। इसमें कुछ कमी सा लग रहा है मेरे को। क्या कमी है? बढ़िया तो दिख रहा है। धनिया। अच्छा धनिया, क्या करोगे, कमी तो है, बाकी तसल्ली दे सकते हो खुद को ऐसा बोल के। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं धरती तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कमियाँ होती है, हम सब में होती है कुछ ना कुछ, उसी के साथ जीना होता है ऐसा मान के इसको आज अपन डिनर कर लेते हैं। ठीक है, मिला नहीं, फायदा भी मिला नहीं उधर। ठीक है साथियों, और जो आज का अपना जो ब्लॉग है इसको हम लोग यहीं पे दी एंड कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, और फिर आप लोगों से मिलेंगे एक नई ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।